गुड मॉर्निंग एवरीवन एया फाइनली पालू हरिद्वार और बाकी जर्नी खी यार स्टार्ट हम तो आज हो गल डे थ्री आमार और गाड़ी रही आस बाहर किंतु फर्स्ट आम बोलो ब्रश तो कर लं कारण जीतु चार बजिसे और बाहर गई मैं चांस नपाम तैने तो फटाफट स्टेशन ब्रश तो कर लो तो बाकी जर्नी खी आरम्भ दे देखा आसो मैं कि एक्साइटेड मैंने स्टेशन एने के मैं बाथरूमबूर आसे इमान साफ न स्टिल बाथरूम लैट्रिन आसे सो ताते यूज कर फ्रेश हो लो पड़े दस टका के स्टेशन पर ऊल्ई दूँ सबे फ्रेश हो ललो और ये बेचेरी कल दिल्ली अक खोज काढ़ी भरी विक इतना कि हम नजान तक तो एक ना बार जो बेसि भी खाए घूरा क्या लब लगे बार जीत वेट ना इन कस्ट नपा कि बेचेरी भरी विक स्टार्ट दुख पूरा स्वेलिंग से भर दिल्ली अकान सेंडल पिंधि खोज काढ़ दिले हाँ सां कि तारे पारे तय चेस्ा करूँ आम मैं मेडिसिन खुद लैसए प्रायभग तो देखा जा गोटे हरिद्वार स्टेशन तो इन डांगर नट आसे तो खूब धुनिया है गोटेक इतना सब गाड़ी रही आसो फाइनली गल गाड़ी तो इतना जायार आरम्भ करो जात्रा बा सबे हुई सो निगे हाँ दादा तो पूरा बस्तु या लो हाथ बिजी और माने जने ये आग फले बहिसे एया रास्ता आउटे लैंडस्लाइड देखिलुए बारु गुटेबुर कि आमी रखिबलगिया न होल रास्ता क्लियर आसे जा साइडत साइडत पुरी आसे माने नेके अरे या लास्ट के दिन गट हुआ लैंडस्लाइड देखिए अलग भय लगा बारू स्टिल आमी तने के इतिया लेके पुआ नाय भगवानर कृपात ये सब अभी का है हाल फिलहाल का एक डेढ़ महीने के अंदर इतना खराब से हो गया था ना ये बरसात चलता है ना पूरा हाँ हाँ पूरा रास्ता ही वो हो गया टूट गया मतलब तो रात भर भी फंसना पड़ता है शायद कभी ऐसा होता है मतलब रात भर रास्ते में ही गुजरना पड़ेगा सर बिल्कुल गुजरना पड़ेगा अगर रास्ते में डैमेज हो गया तो फिर वहाँ पे मंदिर बंद हो जाता है क्या या नहीं होता है तब मतलब ऐसा लैंडस्लाइड वगैरह होने से मंदिर बंद हो जाता है मगर होटल वोटल हल्के फुल्के हैं वहाँ पे मार्केटिंग हाँ, भी है हाँ भैया ये क्या गंगा नदी है ना नहीं है नॉर्मल और नॉर्मल है कौन सा कथा पातीसिलो रास्ताबूर एनेका भयानक हो गैछे एखन गाड़ी आहिले बेलेग एखन गाड़ी आहिब नरे आरु जिमान पारे ड्राइभारजने माने लाहे लाहे नि आछे माने गुटे फाले पहाड़ भांगी एकदम अवस्था नाय रास्ता तो जस्ट जानी तानी जाब पाराके क्लियर करि दिछे गोटे रास्ता भांगी गई है मैंने आम भगवानक एटा प्रार्थना यार क्या ऊल्ब पारे हम सब इन डाँगर डाँगर शिलबूर ऊपर बगरी से मैं भयो लगे जो रास्त एक नए और आज बार ड्राइवरे कैसे वेदार भल तो एक नारू स्टिल आज मानु क्या इतना मिनिटे मिनिटे बतर चेन्ज है एक मिसा ना इन आगलैक आचरीत रोड और हठा क्या कुली आहिले और रास्ता तो सौसन एक नेदेखा हो गल मैंने गोटे रास्ता आको हे लाहे लाहे जाबलगिया हय माने गोटे रास्ता तो नाइक माने एकदम धुआं धुआं हो गैछे माने और इमान एटा ठंडा पेलाय दिले हठात इतिया गरम इतिया ठंडा माने तो गरम कपड़ आनिबले एकदम नापाहरिबो कारण हठात माने यापुर चेंज होय थाके वेदरबुर चेंज होय थाके कारण अपन आगो देखी आसिले पूरा गरम होय माने रोड दि आसिले आको या सब कोलिले रास्ता तो पूरा ढाकी गैछे माने यू रास्ता तो पार हो गई आसो और गोटेक भूको लगे देरी है जीत कारण आम साढ़े चारान पर जार्णी स्टार्ट करूँ रातिओ टोपनि ना तैनक और खुआ खूब लाइट गई आसो का मैं कले कि रेस्टुरेन्टबूर आसे तो तक बहुत पारिम खाने तो तक चाँ कि पाँ तो इलो डे प्रयाग पालू मैंने तो इते ब्रेकफास्ट कर फ्रेश हो लो गोटेक तो देखा दाम आसे बट इमानो नहय माने कय आसे जे कि जिमान ऊपर जाम इमान दाम बढ़ी जाबो तो या ठीके आसिले बारो दाम तो
লোটাসৰ কিবা পনির চনির সব আছে, পনিরও আছে, পনির ঘুমাই দিছে তো। জেগাবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, গোটেই পাহাৰৰ ধুনীয়া নহয়নে? আৰু ইয়াক খাই বৈ ওলাই দিলোঁ। আগত মানে এনেকৈ তিনিটা নদী জইন হৈছে, তো সেইখিনি জেগা দেখাওঁ। এইটো কোনটো নদী? এইটো গংগা গৈছে তলত, এইটো গংগা, আৰু সেইটো এইটো অলকানন্দ। অলকানন্দ পানীটো বেলেগ কালাৰ ন, আৰু সেইটো ভগীৰথী। অদ্ভুত নালাগে নে চাওকচোন, পানীৰ কালাৰটো কমপ্লিট বেলেগ, একফালৰ বেলেগ একফালৰ পৰা বেলেগ। तो यहाँ पे तीन नदी का फॉर्म हुआ है ना अभी? हाँ, तो तीन नदी का। चौथी नदी जो है वो यमुनोत्री अकेली है, वो अकेली और है। फिर इनका संगम सबका हुआ है शायद बनारस। ओके, सारी मिली है वहाँ पे जाके। हाँ, चारों एक साथ गंगा जमुना सरस्वती। हाँ जी, सरस्वती जो अंदर से बहेगा ना, मतलब फॉर्म में तो दिखाई नहीं देता है ना वो। इतना तो मैं, गंगा निकली प्रकट वहीं से हुई थी। गंगा ही है ना, यही तो मेन गंगा है ना। ओके, ইমান ধুনীয়াকে গাড়ী ওপৰত দেৱী মাৰ মূৰ্তি এটা লৈ গৈছে, একদম ঢোল চোল বজাই মেলি। ৰাস্তাবোৰ চাওকচোন, দেখাত সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, কিন্তু এটাই প্ৰব্লেম কি, গোটেই ৰাস্তাবোৰ লেণ্ডশ্লাইড হৈ খহি খহি আহি পৰে কোন মুহূৰ্তত, সেইটোৱে ভয়। নহ'লেতো ৰাস্তাটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, মানে জাৰ্ণি কৰিবলৈ ভাল। এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰাছ, সেইখিনি মাজতে মানে বোলে লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে আৰু গোটেই এনেকৈ এক ছাইড কৰি ৰাস্তাটো ওলাই দিছে আৰু এক ছাইডে জমা কৰি থৈ দিছে। তো ভগৱানৰ কৃপাত মানে আমি যে ক'তো লেণ্ডশ্লাইড নাপাওঁ সেইটোৱে প্ৰে কৰি গৈ আছোঁ আৰু। আৰু ইয়াত মানে জেগাই জেগাই জে চি বিবোৰ ৰৈয়ে থাকে, কাৰণ কোন মুহূৰ্তত এয়া হৈ যায়, লেণ্ডশ্লাইড হৈ যায় আৰু ৰাস্তা চাফা কৰিব লাগে ঠিক নাই। তো জেগাই জেগাই দেখি আহিলোঁ মানে জে চি বিবোৰ একদম ৰেডি হৈ থাকে মানে। তো চাগে ৰাস্তাত এনেকৈ লেণ্ডশ্লাইড হ'লেও সোনকালে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে, বেছি দেৰি ৰ'ব নালাগে মানে। কিন্তু আমি বাৰু ইমান যাম পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ কৈছিলে বাৰু যে কি এইটো বোলে ছিজন নহয় আৰু ৰিচেণ্টলি লেণ্ডশ্লাইড হৈ গৈছে, তো মানুহবোৰ আহিব ভয় খাই আছে। তো আমি মানে বহুত কম টুৰিষ্ট আছে মানে এইটো টাইমত। এইবোৰ চাওকচোন গোটেই ৰাস্তা খহি আহিছে, মানে গোটেই ৰাস্তাটো জাৰ্ণিটো এয়াই দেখি থাকিব, লেণ্ডশ্লাইড, ক'ৰবাত ৰাস্তা ব্লক, ক'ৰবাত এক ছাইডে একদম পাহাৰ জমা হৈছে। আৰু যিটো ভয় কৰিছিলোঁ সেইটোৱে হ'ল, আগফালে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে এণ্ড আমি ৰখিবলগীয়া হ'ল, ৰাস্তা চাফা কৰি আছে। এয়া মানুহবোৰ গাড়ীৰ পৰা ওলাই আছে লাহে লাহে, মানে এইটোৱে ভয় খাইছিলোঁ যে এইটো মানে লেণ্ডশ্লাইড যাতে নাপাওঁ, কিন্তু পাই গ'লোঁ। আৰু এয়া মানুহজনে ক'লে মই চাই আহোঁ আগত কি হৈছে, ক'লে বহি বহি ভাগৰো লাগিছে, তো তেওঁ চাব যায় হেনো আগফালে কি হৈ আছে, গোটেই লেণ্ডশ্লাইড। কিন্তু ড্ৰাইভাৰে ক'লে যে কি সোনকালে চাফা হৈ যাব মানে। তাকে ইয়াৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হ'ল, ওলাই আহিব দিলে। তো ইয়াৰ পৰা আৰু ভালেখিনি টাইম লাগিব, বহি বহি কঁকাল বিষাই গৈছে। তেল ড্ৰাইভাৰজনে কৈছে যে কি এতিয়ালৈকে বেয়া ৰাস্তা পোৱা নাই, ভাল ৰাস্তা পাই আছে, আগত গৈ চেঞ্জ হ'ব ৰুট, তো তাৰ পৰা বহুত ভয়ানক ৰাস্তা আহিব আছে, চ' ৰেডি মানে আৰু। কিমান বেয়া ৰাস্তা হয় কাৰণ এইটোৱে আমাৰ কাৰণে বেয়া আছিলে, আৰু আগত গৈ বা কি পাওঁ নাজানো। दर्शन नहीं हुआ तो
हमारी बच्ची की भी तबीयत खराब है, हमें निकलना है, हम रुक नहीं सकते, ये हाल है। वो हेलीपैड का आने जाने का कितना लेता है? हेलीपैड का 5500 रुपए था, अभी पीछे ये गर्मियों का जो सीजन था, 5500 रुपए का था आने जाने का। आने जाने का ना, अभी तो बढ़ गया होगा, एक साइड कराते हैं तो शायद 2700 कुछ था। ओके, नहीं बढ़ेगा, नहीं वही है क्या, वही रेट है, पूरा सीजन चलेगा। अभी ये सीजन अच्छा, में तो चलेगा अच्छे से, रेट में 100-200-300 रुपए का फर्क होगा हेली से हेली का। ओके, कोई इस कंपनी से उस कंपनी, क्यों, जितनी हेली पास होगा उतना सस्ता होगा, बस 100-200-300 का ही फर्क होगा, बाकी रेट सरकारी है, कोई नंबर दो का काम नहीं है। आपको हैंड टू हैंड टिकट मिलेगा नहीं, टिकट मिलेगा तो ऑनलाइन मिलेगा। और आगे में और खराब है क्या ये वाला खराब है? अच्छा, अभी बजरंग किस तरफ जाएगा भैया? ये राइट में, राइट में और लेफ्ट में, और इसमें एक जगह और आएगा चौकता, चौकता मिनी स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? अरे यही तो थोड़ी दूर पे ही है वो, तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर पे। अभी यहाँ से क्या रास्ता पूरा खराब? ये रास्ता तो पूरा ऐसे ही है, पूरा रास्ता गया ना ये, अभी तो डैम है बराबर में, बहुत गहरा है ये, बहुत पुराना डैम है ये, आज का नहीं। अरे रास्ता तो पूरा टूट गया है, ऐसी है ऊपर तक। अभी यहाँ से कितना है? 2-3 घंटा लगेगा क्या? हाँ, 2.5 घंटा पूरा पूरा मान, पूरा 2.5 घंटा रास्ता तो 1 घंटे का भी नहीं था ये। हाँ, 57 किलोमीटर है। वापस आने में प्रॉब्लम नहीं होता, मेरा एक्सपीरियंस है, पहले भी किया है, ट्रैकिंग किया है। हाँ, और रास्ता यहाँ तो पंच केदार है ना मैम, पंच केदार ट्रैकिंग वाले भी आते हैं, उनका भी टूर ऐसे रहता है, 5 दिन 8 दिन 10 दिन। चलने में थोड़ी अवस्था भैया, मैंने खूब पी আহি পালো ৰামপুৰ আৰু থকাৰ কথা আছিলে সোণপ্ৰয়াগত, কিন্তু তাত ৰেটটো বহুত বেছি হয়, সেইটো কাৰণে নাথাকিলোঁ। আৰু যিখন গাড়ীত আমি আহিছোঁ মানে, তো সেইখন গাড়ীয়ে আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ, একেবাৰে বদ্ৰীনাথো যাম মানে এইবাৰ, কাৰণ দিল্লী যিহেতু বন্ধ আছে আৰু আমাৰ ফ্লাইট আছে ৰিটাৰ্ণ 9 তাৰিখে। চ' 9 তাৰিখলৈকে আমি কি কৰি থাকিম, সেইকাৰণে মানে ড্ৰাইভাৰজনেও ক'লে যে কি বদ্ৰীনাথ গ'লে মানে অলপ কমত মিলাই দিব তেনেকৈ। চ' তেওঁ ক'লে যে কি 25ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি মিলাই দিব আৰু, হৰিদ্বাৰলৈকে এৰি দিব মানে। তো ঠিক আছে, 25 ভাল ৰেটেই আছিলে, এনেও আমিতো 13 দিয়ে আছিলোঁ, তো আৰু অলপ দি দিওঁ, তো দুটা ধাম একেলগে কমপ্লিট হ'ব। আহকচোন আপোনালোকক মই ৰামপুৰখন দেখাওঁ, ইমান ধুনীয়া হয় নহয় ভিউটো, আৰু যিখন হোটেলত থাকিব গৈছোঁ সেইখন হোটেলৰ পৰাও মানে ভিউটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। তো এইখন হোটেল হয় য'ত আমি থাকিম এতিয়া, আৰু ইয়াত ডাবল বেডৰুম এটা লৈছোঁ আৰু 3 বেডৰুম লৈছোঁ, ডাবল বেডটো 1200 আৰু 3 বেডটো 1500। আৰু ইয়াত চাওক ৰামপুৰখন ইমান ধুনীয়া হয়, ভিউবোৰ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। তো বলক এবাৰ ৰুমবোৰো দেখাওঁ আপোনালোকক ভিতৰত। এতিয়া মানুহজনে ধুনীয়াকৈ আমাৰ লাগেজবোৰ লৈ গৈ আছে আৰু ৰুম চাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। ৰুম মানে অলৰেডি চোৱা হ'ল, তো দেখাওঁ এতিয়া মানে যিহেতু ফিক্স হৈ গ'ল, অথনি ফিক্স হোৱা নাছিলেতো। নিয়াৰে কেণ্টিন বস্তু কেনেকৈ থৈ দিছে লৈ যাব এতিয়া চব। এয়া হৈ গ'ল এইটো 3 বেডৰুম, খুব ধুনীয়া হয় আৰু ভিউটো দেখাই আছোঁ মই বেলকনিৰ পৰা, বহুত ধুনীয়া। আৰু বাইদেউ অলৰেডি ৰিলচ বনোৱাত লাগি গ'ল, আৰু এইটো চাওক ভিউ, ইমান ধুনীয়াকৈ নদীৰ শব্দও শুনি আছোঁ, এইটো বেলকনিৰ পৰা ভিউ হ'ব আমাৰ, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়া বতাহ এটাও মাৰি আছে ন, বৰ ধুনীয়া দেই জেগাখিনি। চ' এয়াও ৰুমটো দেখালোঁ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত বাৰু ফোন নম্বৰ দি দিম হোটেলৰ, কোনোবা আহিলে ল'ব পাৰিব, আৰু গাড়ীৰ সেই দাদাটোৰো দি দিম,
देखिए आज वीडियो तो बेसि और कन्टिन्यू नको कारण खूब बेसि भगर लगे मानने एकदम पारा ना कारण कल राति टोपनी ना जीतु गोटे रात तो गई और आज गोटे जार्णी को मैं एकदम भगर लगि गल और आज आम अलमोस्ट न घंटा लगिले ये और कल देखिए रात उठे तो भिडिओ इते शेष करूँ कल तो कल देखा तो शेष लेकिन चुनाव थैंक यू और क्या थे सुधी पे बार और जो नतुन है सब्सक्राइब कर दी बाय।